लेते हैं एक एक पीपीटी के माध्यम से। चलिए देखते हैं पहला सिंगरोधन में। देखिए पशुओं में डिहार नहीं, ठीक है, डिहारिंग ऑफ पेटल्स, तो डिहारिंग की बात जैसे हमने आपको बताई थी कास्टिक क्षण द्वारा सिंगरोधन, तो सिंगरोधन की ये सबसे अच्छी विधि है, ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड है, इसीलिए इसको सबसे पहले बताया जाता है। यह विधि एक या दो सप्ताह की आयु तक की अपनाई जाती है। सबसे बड़ी बात है देखिए सिंगरोधन, हम अगर कास्टिक क्षण को आप दिखाएं किस तरीके से होती है, डिहार्निंग की प्रोसेस दिखाते हैं, कास्टिक रॉड, कास्टिक की क्षण है, कास्टिक पोटास की क्षण है, देखिए इसमें कोई सही इमेज आ नहीं रही है, ये भी ऊपर है, चलिए इसी को दिखा देते हैं। ये देखिए देखिए ये ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, ये देखिए हार है पशु का, अभी देखिए ये बच्चा है, हमने बताया था 2 सप्ताह की उम्र तक, 2 सप्ताह होते हैं यानी 15 दिन की एज तक की डिहार्निंग की जाती है इसकी, कितने दिन तक, 15 दिन के तक, यानी कि 2 सप्ताह का हो उसी उम्र में इसकी डिहार्निंग की जाती है। देखिए इस तरीके से जो बड़ होती है इसकी सींग की, इसी में ये कास्टिक पोटास की छड़ है, इसको रगड़ देते हैं, हल्का सा लाल लाल कलर दिखाई दे जाए और इसको रगड़ दें तो क्या हो जाता है, डिहार्निंग हो जाती है पशु में, ठीक है। तो ये डिहार्निंग की प्रोसेस यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो ये डिहार्निंग देखिए कोई डॉक्टर से वो कर रहा है, यहाँ पर इस तरीके से डिहार्निंग होती है, छड़ को रगड़ देते हैं, हल्का सा जो है उसमें ब्लड आ जाना चाहिए। सबसे अच्छी विधि है डिहार्निंग की कास्टिक पोटास द्वारा डिहार्निंग करना, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला इसका दूसरा पॉइंट जो है किसके और कौन मेथड है इसका डिहार्निंग का, देखिए सींगों पर पॉल्डी हॉर्नर, देखिए पॉल्डी हॉर्नर जो होता है एक रसायन है, पॉल्डी हॉर्नर, इसके भी द्वारा भी सींग रोधन किया जाता है पॉल्डी हॉर्नर के द्वारा। पॉल्डी हॉर्नर का लेप जो होता है ये एक रासायनिक विधि है, पॉल्डी हॉर्नर का लेप जो होता है सींग जब पशु के छोटे छोटे होते हैं निकल रहे होते हैं बिल्कुल बड़ होती है तो उसके ऊपर पॉल्डी हॉर्नर लगा देते हैं, लेप रसायन का लगा देते हैं, जिसके कारण सींग उतने ही बड़े रह जाते हैं पर वो बढ़ते नहीं। सबसे अच्छी विधि वैसे कास्टिक पोटास वाली भी है, ये भी ठीक है, अगर आपने केमिकल लगा दिया तो सींग वहीं पर रुक गया, बड़ा नहीं, ठीक है। तो ये पॉल्डी हॉर्नर के द्वारा भी सींग रोधन किया जाता है। इसके बाद विद्युत सिंगरोधन, देखिए विद्युत सिंगरोधन में क्या होता है, रॉड जो होती है विद्युत रॉड, इलेक्ट्रॉनिक रॉड जो होती है उसको 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके 8 से 10 सेकंड तक लगाते हैं, इसके जहां पर सींग होता है, सींग की जो बड़ होती है वहां पर 8 से 10 सेकंड के लिए इसको टच किया जाता है, और जब 8 से 10 सेकंड टच करेंगे तो ये बड़ अपने आप जो है नष्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद होता है इलास्ट्रेटर के छल्ले द्वारा सिंगरोधन, अगर छोटे जानवर ज्यादा बड़ा ना हो, बड़े होंगे तो फिर इलास्ट्रेटर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, छोटी उम्र पर ही इलास्ट्रेटर का प्रभाव पड़ता है, तो इलास्ट्रेटर छल्ला जो होता है उसको जब सींग में लगा देंगे तो क्या होगा, अपने आप छल्ला जब मजबूत होता जाएगा तो वो जो है सींग को कमजोर करता जाएगा और सींग अपने आप कट के गिर पड़ेगा। तो ये 4-5 प्रोसेस थी, एक तो कास्टिक पोटास द्वारा, एक तो डिहार्नर द्वारा, है ना, जो है पॉल्डी हॉर्नर के द्वारा, ठीक है, पॉल्डी हॉर्नर के द्वारा, कास्टिक पोटास के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक छड़ के द्वारा किया था हमने। इसके बाद ये जो है लास्ट वाली जो प्रोसेस थी, लास्ट एटर के द्वारा छल्ला चढ़ाकर किया था, फिर एक जो है प्रजनन के द्वारा, ठीक है।
प्रजनन के द्वारा जो करेंगे उसमें हम आपको बता रहे हैं, प्रजनन के द्वारा जो सिंगरोधन किया जाता है, तो प्रजनन के द्वारा अगर हम देखेंगे कि अगर एक मेल है और इसके सींग नहीं, सींग रहित है ना, कल भी बताया था हमने आपको, सींग रहित मेल है और इसका क्रॉस अगर हम करा देते हैं सींग युक्त मादा के साथ, किसके साथ, सींग युक्त मादा के साथ, तो इसकी जो प्रोजनी हमें मिलेगी वो सींग रहित मिलेगी, इसकी संतान जो मिलेगी हमें, संतान मिलेगी वो कैसी होगी, सींग रहित होगी, संतान कैसी होगी, सींग रहित होगी, ठीक है। तो सींग रहित संतान प्राप्त कैसे होगी, जब सींग रहित नर का सींग युक्त मादा के साथ क्रॉस कर देंगे तो संतान हमें सींग रहित प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये भी एक इसकी प्रोसेस होती है सींग रोधन की। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ये है प्रजनन द्वारा, देखिए बना हुआ भी है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सींग रहित नर है, ये नर है और ये जो है मादा है, सींग युक्त मादा है, इसका जब क्रॉस कराएंगे तो सींग रहित बच्चा आपको मिलेगा, ठीक है, सींग रहित बच्चा मिलेगा, बच्चे में नर और मादा दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है, नर और मादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो रहेगा सींग रहित, ठीक है, जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सींग रहित ही बच्चा रहेगा। अगला है पशुओं को बधिया करना, बधियाकरण या कैस्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसकी बहुत ज्यादा जो है लाभ होते हैं कैस्ट्रेशन के। देखिए विभिन्न प्रकार के पशुओं में विभिन्न लाभ के लिए मनुष्य जो है कैस्ट्रेशन करता है अपने विभिन्न तरीके के लाभों के लिए, जैसे कुछ पशुओं से उसे मांस प्राप्त होता है, जैसे बकरा, ठीक है, तो बकरे से क्या करेगा, चर्बी बढ़ाना चाहेगा, वो बकरे में मांस बढ़ाना चाहेगा, तो इसलिए उसमें कैस्ट्रेशन करेगा, बधियाकरण करेगा। कुछ जो जानवर होते हैं जैसे बैल होता था पहले, है ना, बैल या भैंसा, जो भैंस का नर होता था, तो दोनों को हम अगर खेती करना चाहेंगे दोनों से, तो अगर कैस्ट्रेटेड नहीं होंगे तो पूरी की पूरी ऊर्जा अपनी जो है हल चलाने में नहीं, तो इनकी मतलब कैस्ट्रेशन का मतलब है डाइवर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या है, जैसे टॉपिंग की जाती है तंबाकू में ना, डाइवर्जन ऑफ एनर्जी इट इज नॉन एज कैस्ट्रेशन, समझ लीजिए, ऊर्जा का रूप जो है चेंजमेंट करना, दिशा को परिवर्तित कर देना, जैसे पहले क्या था कि वो बुल के लिए अगर चाहे तो कैस्ट्रेट कर दे तो बुल जो है अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उसके शरीर में संरक्षित रहेगी और वो जो है खेती में काम करेगा पूरी तरीके से, ठीक है। अगर बकरे को कैस्ट्रेटेड कर देंगे तो पूरा का पूरा जो है मांस उत्पादन में उसकी ऊर्जा लगेगी, शरीर सब चर्बी बढ़ जाएगी उसके अंदर, तो इससे भी फायदा होगा, है ना। कुछ जो है भेड़ों में भी किया जाता है, मेड़ों को भी किया जाता है, जिससे उनमें शरीर में अच्छे प्रकार के बाल आए और बढ़िया मांस भी प्राप्त हो, दोनों चीजें प्राप्त होंगी बढ़िया, ठीक है। तो इसीलिए कैस्ट्रेशन किया जाता है। कहीं कहीं पर वैसेक्टॉमी की जाती है, वैसेक्टॉमी का मतलब होता है नसबंदीकरण। देखिए व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कैस्ट्रेशन एंड वैसेक्टॉमी, है ना, दो चीजें हैं आप समझ लीजिए, दोनों में अंतर बता देते हैं। एक होता है कैस्ट्रेशन और दूसरी बात है आपकी वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी को कहते हैं नसबंदीकरण, ये भी सांडों में की जाती है और ये भी किया जाता है, ये बधियाकरण कहलाता है कैस्ट्रेशन, ठीक है, ये इट इज नोन एज बधियाकरण और ये कहलाती है नसबंदीकरण। देखिए दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, अंतर केवल इतना है कि अगर कैस्ट्रेशन करेंगे हम इसमें, तो कैस्ट्रेशन में दो नलिकाएं टेस्टिस तक जाती है, देखिए ये मान लीजिए यहाँ पर टेस्टिस ब्रसर्ट, और कैस्ट्रेशन में क्या होता है, दो प्रमुख इसकी नलिकाएं हैं, एक तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और दूसरा है इसी में बेस डिफरेंसिया, बस डिफरेंस, ठीक है, बस डिफरेंस, ये दो नसें हैं इसमें, ठीक है, एक तो स्पर्मेटिक कार्ड है, एक बास डिफरेंसिया है,
स्पर्मेटिक कार्ड देखिए बॉडी से टेस्टिस में ब्लड और ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है, ये क्या करेगा ऑक्सीजन है ना और प्लस ब्लड ये दोनों चीजें टेस्टिस में भेजता है। तो ये तो हो गया स्पर्मेटिक कार्ड का निर्माण। और वैस डिफरेंशिया जो होती है, वास डिफरेंशिया जिसे कहते हैं, तो ये वास डिफरेंस देखिए वास डिफरेंशिया जो होती है ये क्या करेगा टेस्टिस में बने हुए स्पर्म को बाहर करने का काम करता है। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं टेस्टिस में आई हुई, एक तो स्पर्मेटिक कार्ड और दूसरा वास डिफरेंशिया। अब यहाँ पर अगर इन दोनों ही नसों को हम काट देते हैं इस तरीके से, टेस्टिस से दोनों का संबंध खत्म कर देते हैं, दिस इज नोन एज कैस्ट्रेशन। अगर हम केवल देखिए ये दो नसें आई थी है ना, एक तो स्पर्मेटिक कार्ड आई थी टेस्टिस में और एक जो आई थी आपकी वास डिफरेंशिया आई थी। तो ये देखिए स्पर्मेटिक कार्ड है और ये वास डिफरेंशिया है, ठीक है। तो बैसक तामी जो होती है नसबंदीकरण होता है, इसमें स्पर्मेटिक कार्ड को नहीं काटा जाता है, यानी कि पशु में स्पर्म बन रहा है ना, क्यों, क्योंकि स्पर्मेटिक कार्ड लगा हुआ है, ये अपना पूरा ऑक्सीजन और ब्लड यहाँ पर दे रहा है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन मिल रही है टेस्टिस को, तो यानी कि यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। अब इस स्पर्म के निर्माण में यानी कि अगर कहें कि हम ये गायों को जो हीट पर है फार्म में जो भी हमारे डेयरी फार्म में गायें हीट पर हैं उनको पहचान तो लेगा क्योंकि स्पर्म बन रहा है, लेकिन ये स्पर्म बाहर नहीं निकलता है। इसके लिए हम क्या करते हैं बैस डिफरेंशिया जो होती है इसको काट के बांध देते हैं, दिस इज नोन एज बैसेक्टॉमी या नसबंदीकरण, यानी कि ये जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ सकते, इसी को कहते हैं बैसेक्टॉमी या बुल, और इट इज आल्सो नोन एज टीजर बुल, इसी को टीजर बुल कहा जाता है, इसी को बैसेक्टॉमी या बुल कहा जाता है। तो दोनों चीजें हो सकता है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, एक बार फिर देख लीजिएगा क्योंकि इसी में अंतर रहता है, लड़के नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट इज कैस्ट्रेशन व्हाट इज बैसेक्टॉमी, कैस्ट्रेशन क्या है, बंधियाकरण क्या है, और बैसेक्टॉमी या नसबंदीकरण क्या है। दोनों में अंतर यही है कि बैसेक कैस्ट्रेशन जो होता है बंधियाकरण होता है, देखिए हमने बताया आपको बंधियाकरण में कि स्पर्मेटिक कार्ड और वास डिफरेंशिया दोनों काट दी जाती हैं, टेस्टिस से दोनों का संबंध खत्म कर दिया जाता है, या फिर देखिए कैस्ट्रेशन में ही बहुत सारी विधियां हैं, ये तो देखिए बर्ड जो कैस्ट्रेटर के द्वारा दोनों को काट दिया, या फिर क्या करेंगे कि गांव में एक और विधि प्रचलित है चीरा लगाकर जो टेस्टिस निकाल दिए, बातें खत्म हो गई, ठीक है। तो ये थोड़ी गलत विधि है, इससे क्या होता है इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और जो है कभी कभी इसमें जो है पॉइजन भी बन जाता है, जहर भी बन जाता है, मर भी सकता है पशु, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ गांव में ऐसी विधियां हैं प्रचलित, ठीक है। तो पशुओं को बधिया करना कैस्ट्रेशन में स्पर्मेटिक कार्ड और वास डिफरेंशिया दोनों काट दिए जाते हैं, तो वो कभी अपने आजीवन जो है स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बेकार हो जाए। अब इसके बाद वैसेक्टॉमी की अगर बात करें नसबंदीकरण में, तो ये स्पर्म तो बनाता है क्योंकि इसमें स्पर्मेटिक कार्ड लगा हुआ है, परंतु ये स्पर्म बना हुआ है लेकिन इसको ये बाहर नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या करेंगे बाहर न करने के लिए